आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैक की। सबसे पहले बात करते हैं स्टैक होता क्या है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है लिफो। एक और चीज फॉलो करती है वो है फिलो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा इसका मतलब, और इसका मतलब होगा इसका अपोजिट फर्स्ट इन लास्ट आउट। अगर हम इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें बुक्स का ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपने बुक्स देखी होगी, एक के ऊपर एक बुक्स रखी हुई, तो हम लोग जब बुक्स, अगर एक बुक है उसके ऊपर दोबारा बुक रखेंगे, ठीक, मान लीजिए बुक नंबर वन है, ये बुक नंबर टू है, इसके ऊपर और बुक रखेंगे, ये उसके टू के ऊपर ही रखेंगे तो थ्री आ गई। ये रियल वर्ड है एग्जाम्पल स्टैक का। सेम एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, एक शादी में देखेंगे प्लेट रखी होंगी, ठीक, एक प्लेट रखी होगी, उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखी होगी, उससे तीसरी प्लेट रखी होगी, फोर्थ प्लेट। अगर हम लोग प्लेट को रिमूव करेंगे तो कैसे, टॉप से ही रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले जो लास्ट में प्लेट रखी होगी वही हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक। जो सबसे पहले प्लेट आई होगी, ठीक, तो सबसे नीचे होगी वो सबसे लास्ट में होगी, रिमूव करेंगे। तो इसी तरह बोलेंगे इसका जो जो इसका रोल है लीफो फीफो, मतलब जो लास्ट में आएगी वो सबसे पहले निकाली जाएगी, सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे, और जो पहले सबसे पहले रखी जाएगी वो लास्ट में निकलेगी। एग्जाम्पल जो हम लोग ने देखा कि लास्ट में जो सबसे पहले जो प्लेट रखी गई होगी, देखिए हम लोग यहाँ पर प्लेट रखेंगे, प्लेट नंबर वन, इसके ऊपर कुछ प्लेट होंगी, इसके ऊपर कुछ प्लेट होंगी, इसके ऊपर कुछ प्लेट होगी। अगर हम लोग पहले लीफो की बात करें, हम लोग अगर जैसे कि जो प्लेट निकलेगी लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये लास्ट में आई थी ये प्लेट, तो ये सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। अगर हम फीफो की बात करें, फिलो की बात करें, सॉरी फिलो की, जो फर्स्ट इन लास्ट आउट है, तो लास्ट में जो प्लेट थी नीचे वाली थी, जो सॉरी फर्स्ट में जो प्लेट रखी गई थी वो सबसे नीचे वाली थी, तो ये लास्ट में ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये प्लेट हम लोग लास्ट वाली रिमूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए बोलते हैं कि फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले आई थी वो सबसे बाद में निकलेगी, ठीक। अब हम लोग इसका इसका कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, वो जो स्टैक की कुछ की पॉइंट्स हैं। पहले कि इसको स्टैक क्यों बोलते हैं, स्टैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर पॉइंट नंबर वन की बात करें, फिल्स ऑफ बुक्स, ठीक, और पॉइंट नंबर सेकंड जो की पॉइंट्स है वो है कि इसका अगर लिमिटेड साइज होती है, स्टैक की क्या है, लिमिटेड साइज है। अगर हम लोग एक बार मान लीजिए स्टैक के हम लोग दे दिए कि हम लोग साइज सिर्फ फाइव हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो फाइव ही एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, उसके बाद ही बता देगा कि आपके स्टैक क्या हो गया है, फुल हो गया है। की नंबर थ्री, की पॉइंट नंबर थ्री क्या है, इसमें दो ऑर्डर परफॉर्म होंगे, कौन से, फिलो और लीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट परफॉर्म होंगे। और स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है, पॉइंट नंबर टू, वन पॉइंटर होता है जो कि होता है टॉप ऑफ द पॉइंटर, टॉप ऑफ द स्टैक, जो टॉप होगा स्टैक का, ये हमारा स्टैक है जो यहाँ का टॉप होगा, इसी से हम लोग परफॉर्म करेंगे पुश यानी कि इंसर्शन, और इसी से परफॉर्म होगा पॉप यानी कि रिमूव, हम लोग कोई भी डिलीट करेंगे एलिमेंट तो उस टॉप से होगा, जो चीज भी परफॉर्म होगी इस टैग में वो अबव टॉप से होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, ठीक, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग एक लिमिटेड साइज है, फाइव मेमोरी साइज है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट करना है, ठीक, हम लोग सबसे पहले इंसर्ट करेंगे वन, यानी कि हम लोग पुश कर रहे हैं वन को, पुश करेंगे वन को, पुश करेंगे तो ये वन कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे टू को, ठीक, तो ये जब पुश को टू को पुश करेंगे तो ये देखिएगा कि वन के ऊपर आएगा, क्योंकि वन ऑलरेडी नीचे फिल हो चुका है, तो टू यहाँ पे फिल हो जाएगा, हम लोग ने टू को इंसर्ट किया। स्टैक में यार चीज याद रखिएगा, इसके क्या होता है, हर जहां पे एलिमेंट स्टोर करता है उसका कुछ इंडेक्स होता है, इसका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इसका कुछ इंडेक्स वैल्यू होगी, ठीक। देन हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, पुश थ्री करो इंसर्ट करेंगे, देन इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक, यहाँ पे वन हो गई, यहाँ पे टू इंसर्ट कर लिया, टू की अब हम लोग क्या करेंगे, थ्री को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे थ्री आ गया। देन हम लोग सेम फोर को करेंगे, तो ऑलरेडी वन था ही, टू हो गया, थ्री, देन फोर को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ जीरो वन टू थ्री फोर हो गया, ठीक, पुश करिए। अब फाइव को पुश करेंगे तो यहाँ पे फाइव, अगर हम लोग फाइव को पुश करेंगे तो फाइव यहाँ पे आएगा टॉप पे, ठीक, फाइव यहाँ गया। अब ये फाइव आ गया, देखिए हम लोग ने क्या लिया था, लिमिटेड साइज मेमोरी रखा था, की नंबर पॉइंट नंबर टू था कि हम लोग ने लिमिटेड साइज होता है स्टैक के, अगर हम लोग स्टैक की मेमोरी को डिफाइन कर दिए तो हम लोग उसमें कुछ चेंज बाद में क्या है उतने ही स्टैक को हम लोग फिल कर पाएंगे, उससे ज्यादा स्टैक को फिल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सिक्स को फिल करेंगे तो ये बता देगा ये क्या है, स्टैक आपका क्या हो चुका है, फुल हो चुका है। अब हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे इसमें, इसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पॉप ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, एक माइंड में याद रखिएगा कि स्टैक क्या होता है, लीफो को फॉलो करता है,
ठीक, मतलब कि जो लास्ट में आएगा वही पहले रिमूव होगा। तो सबसे पहले लास्ट में क्या आ गया था, फाइव आया था, तो फाइव पहले रिमूव होगा। ठीक, फाइव रिमूव होगा, देन क्या बचा हमारे पास, फोर बचा, थ्री बचा, टू बचा, वन बचा। देन उसके बाद हम लोग चाहते हैं फोर को, देखो पहले फाइव को रिमूव करें, देन हम लोग अब फोर को रिमूव करेंगे, तो फोर रिमूव होगा क्योंकि फाइव हम लोग ऑलरेडी ऊपर रिमूव कर चुके हैं। अब तीन एलिमेंट बचे हैं, कौन से, थ्री टू वन। अब हम लोग डायरेक्टली वन को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग एक फॉलो रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते चलेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, थ्री को रिमूव करेंगे, थ्री को रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग जो लास्ट में, अब जो जो डेटा बचा हमारा, वन बचा और टू बचा, देन उसके बाद हम लोग टू को रिमूव करेंगे, तो हम लोग को टू को रिमूव कर दिया हम लोग ने। ठीक, अब बचा हमारा लास्ट में, हम लोग अब क्या करेंगे, वन को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे वन था तो हम लोग वन को भी रिमूव कर दिए। अब हो गया स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। ठीक, स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, तो इंडेक्स नंबर वही फॉलो करके वन जीरो वन टू थ्री फोर ये फाइव यहाँ तक जाएगा। सॉरी, इसको हम लोग रिव्यूज करते हैं। देखिए हम लोग अब क्या करें, हम लोग सब एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचा, जो सॉरी जो स्टैक बचा वो है जीरो। हमारा के क्या हो, अब लोगों ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, पॉप कर दिया, मतलब रिमूव कर दिया। तो अब हम लोग के जो, अगर हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं फुल है, तो अगर देखिए फुल होगा तो बता देगा स्टैक इज फुल, अगर नहीं होगा तो क्या करता है, स्टैक इज एम्प्टी हम लोग को शो कर देगा, स्टैक इज एम्प्टी ये शो कर देगा हम लोग को। देन अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं स्टैक में। ठीक, देखिए इस पर जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक, इसमें बहुत से टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पुश। पुश का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट को ऐड करना अपने एलिमेंट उसमें, अपने स्टैक में। ठीक, एलिमेंट को ऐड करना है, जो पुश परफॉर्म होगा वो टॉप से परफॉर्म होगा, क्योंकि हम लोग स्टैक में एक बात याद रखिएगा कि स्टैक में एक ही पॉइंटर होता है। ठीक, एक ही पॉइंटर होता है, वो की होता है टॉप में, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो टॉप से ही परफॉर्म होंगे। तो पुश करने का मतलब होता है कि ऐड है एलिमेंट, हम लोग अपने एलिमेंट को ऐड करेंगे अपने किसमें, स्टैक में ऐड करेंगे, ये पहला ऑपरेशन होता है। सेकेंड ऑपरेशन होता है पॉप, यानी कि हम लोग टॉप से ही अपना जो कि एलिमेंट है, जो इंसर्ट है इसमें ऑलरेडी, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, वो कहाँ से करेंगे, टॉप से, इसका मतलब होता है हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक, देन थर्ड होता है इज एम्प्टी, ये चेक करता है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक, अगर ये खाली होगा, ठीक, स्टैक हमारा, तो शो करेगा एम्प्टी है, अगर नहीं है तो कह देगा नॉट नॉट एम्प्टी। ठीक, देन फोर्थ ऑपरेशन होता है इज फुल, ये चेक करेगा कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है कि नहीं, अगर इसमें एलिमेंट्स फुल होंगे ऑलरेडी तो ये बता देगा कि हमारा जो स्टैक है वो फुल है, अदरवाइज फुल नहीं है। फाइव ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है पीक। पीक का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को देखना विदाउट रिमूविंग, हम लोग बिना रिमूव के किसी एलिमेंट को हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, मतलब ये है कि हम लोग उसका पोजीशन को हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए अगर हम लोग स्टैक है हमारा, ये स्टैक इंडेक्स नंबर टू पे जो एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, उसको हम लोग शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन। ठीक, वो पोजीशन के हिसाब से हम लोग चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स है कौन सा, ये लुक करने के मतलब देखना। ठीक, सिक्स नंबर है ऑपरेशन में वो काउंट। काउंट का मतलब होता है आपको काउंट से वर्ड से ही मतलब चलेगा कि कितने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है, वो हम लोग को काउंट करके दे देगा। सेवन ऑपरेशन परफॉर्म होता है चेंज। चेंज आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे होता है, मान लीजिए हमको इंडेक्स नंबर टू पे कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम लोग चेंज का इस्तेमाल करेंगे एक पर्टिकुलर नंबर टू पे, अगर हम वन वैल्यू है इसको चेंज करके हम लोग वैल्यू टू कर दें, तो विद द हेल्प ऑफ चेंज फंक्शन हम लोग इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है ऑपरेशन हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है कि हम लोग सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ हम लोग डिस्प्ले करा पाए अपने विंडो पे, कि हम लोग देख पाए कितने एलिमेंट्स हमारे स्टोर हैं किसमें, स्टैक में, वो एक साथ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। ये सारे ऑपरेशन हम लोग किसमें परफॉर्म करते थे, स्टैक में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इस सारे ऑपरेशन